हेलो फ्रेंड्स, मील पंजाबी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक हैवी बेस कढ़ाई लेनी है, उसे लो फ्लेम पर रखते हुए इसमें 1/4 कप देसी घी डाल देना है। देसी घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन जो कि 150 ग्राम के आसपास है। इसको अच्छे से मिलाएंगे और गैस को लो फ्लेम पर ही रखते हुए हमें अगले 15 मिनट तक इसको भूनना है। ये जो आप इसमें अभी लम्स देख रहे हैं ये अपने आप थोड़ी देर में चले जाएंगे, आप बस इसे चलाते रहिए और गैस को लो फ्लेम पर ही रखिए। बेसन का लड्डू बनाते हुए 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहली बात, गैस को लो पर ही रखें और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा पेशेंस से बनाएं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। करीब 5 मिनट भूनने के बाद इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पर आप इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद लगातार स्पैटुला को अगले 10 मिनट के लिए चलाते रहें क्योंकि अब ये इकट्ठा होना शुरू होगा। इकट्ठा होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा बाइंडिंग टेक्सचर में आ जाएगा। तो करीब 10 मिनट भूनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपके स्पैटुला पे चिपकने लगेगा और इस स्टेज पर ये घी छोड़ना शुरू करेगा। तो अब पूरे 15 मिनट मुझे इसे भूनते हुए हो चले हैं। अब ये बिल्कुल बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है और ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच पानी और इसको लगातार चलाते हुए अगले 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। पानी डालने से ये दानेदार टेक्सचर में आएगा और हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। फिर गैस को बंद कर देना है और मिक्सचर का ठंडा होने का वेट करना है। अभी ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब मैं इसको एक दूसरे पैन में लेकर इसमें मिलाऊँगी 1/2 कप चीनी का पाउडर जिसको बूरा चीनी भी कहते हैं और उसके बाद 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें गरम देसी घी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच और अगर थोड़ा गीला है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसे हथेलियों में दबाते हुए एक बॉल की साइज़ का बना लेंगे और उसके बाद हम इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। ये लीजिए, एक लड्डू तो बनकर तैयार हो गया है और अब इसी तरह हम दूसरा लड्डू बनाएंगे। मैंने यह गार्निश करने के लिए बादाम और मेलन सीड्स का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 कप बेसन से लगभग 5 से 6 लड्डू आराम से आपके बन जाएंगे। तो गार्निश करने के बाद हमारे 6 लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।